जेटली जी डीडीसी के अध्यक्ष थे कि नहीं थे जिस दौरान इतने घपले हुए? का जवाब जेटली जी को देना पड़ेगा। अगर इसमें भ्रष्टाचार कोर्ट में साबित होता है तो उसकी सजा भी उन्हें ही भुगतनी पड़ेगी। ये फाइल है डीडीसीए की फाइल जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। हम ही एक ईमानदार, बाकी सारे चोर, ये पॉलिटिक्स का अरविंद केजरीवाल पैटर्न है। इस स्टाइल ने केजरीवाल को सुर्खियां भी दिलाई और वोट भी, लेकिन अब ये दांव केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है, कुछ कुछ अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। डीडीसीए केस में जेटली के मानहानि केस के जवाब में केजरीवाल कल दिल्ली हाईकोर्ट में पलटी मार गए। बोले कि उन्होंने जेटली की मानहानि करने वाला कोई बयान ही नहीं दिया। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल ने जेटली पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, जो कुछ भी कहा गया वो पहले से पब्लिक के बीच में चर्चा में था। केजरीवाल ने जो कहा वो लोगों के हित में था, लिहाजा मानहानि का आरोप गलत है, केस रद्द किया जाए। आज तो आम आदमी बिल्कुल भागी गया। पहले कह रहे थे कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे, पर जब कोर्ट में बारी आई तो उनके वकील कह रहे हैं नहीं हमने तो ये स्टेटमेंट्स किए ही नहीं, तो वो अदालती प्रोसीजर से भाग रहे हैं। तो आम आदमी जो कहती थी कि हम आज ही चाह रहे हैं फैसला, आज ही चाह रहे हैं फैसला, आज कोर्ट में कह रहे हैं कि जल्दी फैसला मत करो, इंडिपेंडेंट कमिश्नर मत अपॉइंट करो। हमने कहा कि हम इंडिपेंडेंट कमिश्नर के लिए दरखास्त कर रहे हैं, हम उसके पैसे भी देने को तैयार हैं, एनी इंडिपेंडेंट रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को अपॉइंट करिए, केस फास्ट ट्रैक करिए, पर जिसके लिए वो माने नहीं। इसका मतलब कि वो भाग रहे हैं, उनके पास कोई केस ही नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर केजरीवाल और एपी नेताओं ने आरोप लगाए थे कि 1999 से 2013 तक 13 साल तक उनके प्रेसिडेंट रहते हुए डीडीसीए में भारी वित्तीय गड़बड़ियां और घोटाले हुए थे। इस पर जेटली ने 21 दिसंबर 2015 को केजरीवाल और एपी के पांच और नेताओं पर वित्तीय और आपराधिक मानहानि का केस करते हुए 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी। केजरीवाल के अलावा पांच नेता हैं, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी। आपराधिक मानहानि में 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन हाईकोर्ट में केजरीवाल ने सिर्फ एक यूटर्न नहीं लिया। जेटली के वकीलों ने केस में स्पीडी ट्रायल की मांग की, जल्द निपटारे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की अपील की, तो केजरीवाल यहां भी भागते हुए नजर आए, जबकि कल तक केजरीवाल कह रहे थे कि केस का स्पीडी ट्रायल हो। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने फैसला लिया और हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पहले दिन ही आप जाके अपने आप कोर्ट में पेश हो और कोर्ट को कहो कि इस मैटर को एक्सपीडाइट करें और जल्दी जल्दी इसकी सुनवाई करें, हम चाहते हैं कि इसका फैसला जल्दी हो। हालांकि केजरीवाल तभी घिर गए थे जब डीडीसीए पर उनकी ही बनाई हुई चेतन सांगी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अरुण जेटली का एक बार भी नाम नहीं लिया था। केजरीवाल के हाईकोर्ट में पलटी मारने के बाद अदालत ने सभी 6 एएपी नेताओं के खिलाफ मुद्दे तय कर दिए और मामला ज्वाइंट रजिस्ट्रार को भेज दिया। अब 27 सितंबर तक रजिस्ट्रार को बताना है कि जो जो बयान इन 6 एएपी नेताओं ने दिए वो जेटली की मानहानि करने वाले हैं या नहीं। दूसरा मुद्दा कि एएपी नेताओं के मानहानिकारक बयानों में जेटली किसी तरह का हर्जाना पाने के हकदार हैं या नहीं, अगर हाँ तो वो राशि क्या हो। तीसरा मुद्दा कि क्या ऐसे बयान जो पहले से सार्वजनिक चर्चा में है उन पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी मंशा पर सवाल उठाए जाने पर केजरीवाल के वकील को भी लताड़ा। एचएस फुल्का ने कहा था कि अदालत इस केस में विशेष बर्ताव कर रही है, तो जज ने कहा सीनियर वकील इस कोर्ट रूम में बैठें और देखें कि क्या किसी भी मामले में किसी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं। सीनियर वकील यहां बैठकर देखें कि अदालत कैसे काम करती है। ऐसे बयान निंदा के लायक हैं। केजरीवाल पलटी मार मुख्यमंत्री हैं, पहले तो आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, और जब उनको नोटिस जाता है और फिर एक दो तारीख में जब पहुंचते हैं तो उन्हें असलियत का तो पता होता है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, लगातार रोज झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर भाग जाते हैं, कीचड़ उछालकर भाग जाते हैं, और अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब उन्होंने गलत नंबर डायल कर दिया अरुण जेटली साहब का, जिनका देश के अंदर उनकी प्रतिष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पर कहीं कोई आज उंगली नहीं उठा पाया, और अरविंद केजरीवाल ने उनकी प्रतिष्ठा, उनकी ईमानदारी पर उंगली उठाई। तो केजरीवाल को तो जेल जाना तय है। अब केजरीवाल चाहे यू टर्न ले, चाहे पलटी मारे, चाहे एफिडेविट दे, केजरीवाल सलाखों के पीछे निश्चित रूप से जाएंगे। केजरीवाल ने क्या वाकई रॉन्ग नंबर डायल कर दिया? यू टर्न तो कुछ ऐसा ही कहता है। ये घबराहट, ये बेचैनी और बढ़ सकती है क्योंकि मानहानि के 3 केस अभी कतार में है। कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल के दायर किए केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल ही तेजी लाने के संकेत दिए।
दूसरा केस नितिन गडकरी का ठोका हुआ है। बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी की मानहानि में तो केजरीवाल को कुछ दिन पहले ही जमानत मिली है। अब अहम सवाल ये है कि इन अदालती चक्करों और फजीहतों के बाद केजरीवाल और एएपी नेताओं के बड़बोलेपन पर ब्रेक लगेगा या फिर ये बढ़ता ही जाएगा।